सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में आज से फ्रेंड हम सभी लोग सीटेट के परिप्रेक्ष्य में गणित शिक्षण पढ़ने वाले हैं। आप सभी को यह चीज़ भली भांति पता होगा कि हमारे सीटेट के पेपर में हमारा जो होता है पेपर और पूरा पेपर हमारा होता है लगभग 150 नंबर का, जिसमें हमारे 50% पेडागॉजी सेक्शन होते हैं और 50% कॉन्सेप्ट बेस हमारे प्रश्न होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के 15-15 नंबर के हमारे जो है पेडागॉजी सेक्शन होता है और 15 नंबर का कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन होता है। उसी के संदर्भ में आज हम लोग जो है गणित के 15 नंबर की जो पेडागॉजी होता है उसकी कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं। उसकी आज पहली क्लास है। यहाँ पर गणित शिक्षण से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक थियरी क्लास तैयार की है जो आपके पेडागॉजी सेक्शन में काफ़ी मदद करेगा और गणित शिक्षण से आने वाले सारे प्रश्न आपको इस क्लास से कवर हो जाएंगे और आपकी तैयारी और भी बेहतर रहेगी। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले गणित शिक्षण प्रारंभ करने से पहले हम लोग गणित की अवधारणा के बारे में समझते हैं कि वास्तव में गणित होता क्या है, गणित कहते किसे हैं। ये चीज़ें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इस चीज़ को नहीं समझते तो गणित शिक्षण हमारे लिए कठिन कार्य होगा। तो गणित शिक्षण में सबसे पहले गणित को समझना होता है और गणित का जो सामान्य अर्थ होता है फ्रेंड, गणना करना। आप सभी लोग भली भांति से जानते होंगे कि गणित का जो सामान्य अर्थ होता है वह गणना करना होता है। जी हाँ, अगर हम शाब्दिक अर्थ में इसकी बात करें तो वास्तव में अगर इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें, चर्चा करें, इसका शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड गणना की प्रधानता। जी हाँ, गणनाओं की प्रधानता। जी हाँ, अगर ये क्या हो गया, हमारा शाब्दिक अर्थ हो गया। और वैसे ही आप सभी लोग आम बोलचाल की भाषा में जानते ही हैं कि जब भी गणित की बात होती है तो हम सभी लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है गणना में। तो गणित अगर आया है तो मतलब किसी भी चीज़ की गणना हो रही है, कोई भी चीज़ जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है या अन्य भी कोई संक्रियाएं की जा रही, मतलब किया जा रहा है संक्रिया ही, कोई कोई गणितीय संक्रियाएं ही की जा रही हैं। इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है, गणित वह शास्त्र है जिसमें गणना की प्रधानता होती है। आगे चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा निकल दीजिए। हाँ, आगे देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि जैसे इस प्रकार के संबंध में हम कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं कि गणित जो होता है वह अंक, अक्षर, चिन्ह आदि के संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान होता है। जी हाँ फ्रेंड, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसके संदर्भ में। यदि गणित के सम्मिलित रूप की हम बात करते हैं फ्रेंड, तो गणित में किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो गणित के अंतर्गत हम लोग जो पहला ध्यान देते हैं अंक पर देते हैं, क्योंकि गणित एक अंकीय क्षमता का विज्ञान होता है जिसमें हम अंकों पर आधारित संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा अक्षर, मतलब आप जानते हैं कि गणित के भी तीन फॉर्म होते हैं, बीजगणित, अंकगणित और रेखा गणित। तो बीजगणित वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, अक्षरों को लेकर जो अक्षरों से रिलेटेड जो है क्रियाकलाप या संक्रियाएं को सीखते हैं। साथ ही साथ चिन्हों पर आधारित होता है। हमने आपको पहले बताया कि संक्रिया का मतलब होता है कि चिन्हों के आधार पर जो भी संक्रियाएँ, मतलब जो भी जो है प्रक्रियाएँ की जाती हैं वह चिन्ह के अंतर्गत ही होते हैं, चिन्ह से जुड़े होते हैं। जैसे हम यदि जोड़ की बात करते हैं, पांच वस्तु और तीन वस्तु की जोड़ की बात करते हैं, तो उसके लिए हम प्लस का चिन्ह बनाते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं, उस संक्रिया को पूर्ण करते हैं। इसलिए चिन्ह का भी एक बहुत ही योगदान होता है। आदि संकेतों का ये विज्ञान था, मतलब जोड़ घटाने के अलावा बहुत सारे संकेत होते हैं। जैसे मान लीजिए बराबर का होता है, छोटा बड़ा का भी चिन्ह होता है, आप सभी को पता है। जैसे ये बराबर का चिन्ह होता है, छोटा का बड़ा चिन्ह होता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सारे चिन्ह भी क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं एक कंप्लीट गणित के शिक्षण में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गणित जो होता है अंक, अक्षर, चिन्ह आदि के संकेतों का विज्ञान होता है, जिसकी सहायता से हम परिणाम, दिशा तथा स्थान की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हमें क्या है, परिणाम, दिशा तथा स्थान की जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब फ्रेंड, किसी स्थान के विषय में कंप्लीट नॉलेज हमको क्या है, गणितीय ज्ञान के द्वारा होता है। जैसे कह सकते हैं अगर कोई स्थान हमको बताया गया है और उसके बारे में हमें चीज़ें उसको जाननी होती हैं, तो हम गणितीय सहारा लेकर उसके बारे में सारी चीज़ें जो है एग्जैक्ट बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारा एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसके बारे में हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी के सामने कैसे देंगे, उसके लिए हमें गणितीय तथ्यों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे बताएंगे क्या कर सकते हैं कि ये जैसे 10 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है, इस प्रकार अंकी का सहारा लिया, चिन्ह के माध्यम से बता सकते हैं बड़ा है, छोटा है। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, एक अक्षर के माध्यम से भी उसको प्रदर्शित करते हैं, मेरा प्लॉट L है, मेरा प्लॉट B है। तो मतलब इस तमाम चिन्हों का जो है मतलब सहारा लेकर, जैसे क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो लंबाई चौड़ाई होती है उसका भी यूनिट होता है, तो इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इस प्रकार से क्या करते हैं फ्रेंड, हम किसी स्थान को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके लिए गणित शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे।
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए इन फैक्टों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला है गणित गणनाओं का विज्ञान है। जी हाँ फ्रेंड, गणित गणनाओं का विज्ञान है। इस बात को तो हम लोग प्रारंभ से ही चर्चा कर रहे हैं कि गणित गणना आधारित विज्ञान है, अर्थात गणना संबंधित जितने भी कार्य हैं वह गणित शिक्षण के अंतर्गत किए जाते हैं, इसलिए गणित जो है गणना आधारित विज्ञान है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल सी बात है, आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। बिल्कुल सही बात है, जैसे यदि गणित में कोई संख्याएं हैं तो उनका एक अपना निश्चित स्थान होता है, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे मान ली मैं ये दो संख्याओं को लिखा, मैंने ये इन दो संख्याओं को लिख दिया, तो इन संख्याओं का एक अपना स्थान होता है। जैसे यदि मैं तीन की बात करूँ इसका स्थान इकाई है, और मैं दो की बात करूँ तो इसका स्थान दहाई है। तो गणित में संख्याओं का एक अपना निश्चित स्थान भी होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये संख्याओं का विज्ञान, तो मतलब जितने भी संख्या संबंधित कार्यविधि है, संख्या संबंधित संक्रियाएं हैं, वह सारी गणित के अंतर्गत की जाती है, इसलिए इसे स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है गणित मापतौल मापन जिसे कहते हैं, मात्रा परिमाण जिसे कहते हैं, तथा दिशा का विज्ञान। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गणित मापतौल का भी विज्ञान है, मतलब विभिन्न मापतौल संबंधित क्रियाएं जो गणित के अंतर्गत की जाती हैं। विभिन्न मात्रा मतलब कोई भी चीज़ कितना भारी है कितना हल्का है, इस चीज़ का भी जो है इस चीज़ का अध्ययन भी, इस चीज़ के बारे में भी जो है हम लोग गणित के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। साथ ही साथ दिशा के बारे में भी, मतलब क्या है कोई, मतलब कोई भी चीज़ है वो उसका मतलब उसकी एग्जैक्ट मतलब लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में भी जो है जानकारी हम लोग गणित के शिक्षण के अंतर्गत करते हैं। देखिए जब हम छोटे बच्चों को गणित शिक्षण का कार्य करवाते हैं तो उनको इन सब विभिन्न बातों के बारे में उनको जानकारी, उनको मापतौल के बारे में बताते हैं, उनको मापन के बारे में बताते हैं, उनको परिमाण के बारे में बताते हैं, और उनको दिशा के बारे में बताते हैं। मतलब इन सभी का जो है ज्ञान देना हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है गणित शिक्षण के अंतर्गत, क्योंकि क्या होता है कि हम बच्चों को इस बात से अवगत कराएंगे कि यदि गणित वो पढ़ने जा रहे हैं तो इन सभी मूल उद्देश्यों को जो है इनको पढ़ना होगा और इन सभी के बारे में समझना होगा। क्योंकि बच्चों का जो विवेक होता है उनको क्या होता है चीज़ें स्पष्ट रूप से हमको जो है क्लियर करानी पड़ती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का सहारा लेते हैं जिनके माध्यम से हम इन विषय वस्तुओं को जो है क्लियर करा पाते हैं। उन्हें मापतौल का भी जानकारी देते हैं उदाहरणों के माध्यम से, बहुत सारे उदाहरण देते हैं, वस्तुओं के बारे में लेते हैं, उनके भार के उनके वजन के बारे में बताते हैं, लंबाई के बारे में बताते हैं, ठीक है। उन्हीं बच्चों में से भी एग्जाम्पल लेकर हम लोग इस चीज़ को जो है क्लियर करते हैं। आगे बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ, इसमें मात्रात्मक तथ्यों तथा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जी फ्रेंड, मतलब मात्रात्मक तथ्यों का मतलब फ्रेंड क्या होता है, ये अंकीय क्षमता पर आधारित होता है। मतलब क्या है कि किसी भी संख्या का जो होता है मात्रात्मक मान होता है उसको आधार बनाकर जो है इसमें विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है और बच्चों के सामने उसको दिखाया जाता है, उसको बताया जाता है। आगे यह आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। जी हाँ फ्रेंड, यह आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। कहने का मतलब फ्रेंड, आगमनात्मक का मतलब क्या होता है कि इसको क्या है एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से बच्चों को स्पष्ट तरीके से समझाया जा सकता है। दूसरा प्रायोगिक मतलब क्या है, इसमें हम लोग जो है प्रयोग करके जो है बच्चों को अच्छी तरीके से उनके जो जितने भी डाउट रहते हैं, उनके जितना भी संदेह रहता है, जितने भी उनके मतलब समस्याएं रहती हैं अंदर, जो भी मतलब बाधाएं रहती हैं उनको दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रयोग का शब्द यहाँ पर जुड़ा है, क्योंकि प्रयोग आप समझते हैं साइंस के रूप में है, तो गणित साइंस के रूप में कह सकते हैं। प्रयोग का यहाँ पर ये सीधा सीधा मतलब है कि जैसे 2+2 हमने अगर बोर्ड पर लिखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा ध्यान से इसको, 2+2 हमने अगर बोर्ड पर लिखा है फ्रेंड, तो 2+2 4 हमने बोर्ड पर लिखा है। यदि बच्चा कहता है सर 2+2 4 कैसे होता है, इसको जरा सा हमको आप प्रयोग करके बताइए, तो हम इसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। हम क्लास से ही 2 बच्चों को उठाएंगे और 2 और बच्चों को उठाएंगे, उनको एक साथ मतलब पहले दोनों को अलग खड़ा करेंगे, फिर दोनों को एक साथ बुला के खड़ा कराएंगे, उसके बाद काउंटिंग कराएंगे। इस प्रयोग के जरिए हम बच्चों के जो है मतलब डाउट को प्रयोग के द्वारा स्पष्ट कर देते हैं, इसीलिए गणित को आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान कहा जाता है। तो आगमन का मतलब होता है फ्रेंड कि पहले उदाहरण उसके बाद नियम की जानकारी, और जबकि प्रयोग का मतलब क्या होता है चीज़ों को उनके मतलब मस्तिष्क पटल पर दैनिक जीवन के जो आधारभूत उदाहरण हैं उनको प्रस्तुत करके चीज़ों को उनको स्पष्ट कराना, बिल्कुल क्लियर कराना, जैसे वह उसकी वैज्ञानिक पद्धति को समझ सकें। आगे गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। मतलब जितने ही प्रकार के तर्क बच्चों के मस्तिष्क मतलब बच्चों के हृदय में उठते हैं, बच्चों के मस्तिष्क में उठते हैं, उन सभी तर्कों को हल करने की क्षमता गणित में होती है, इसलिए इसे तार्किक विचारों का विज्ञान
कहा जाता है कि समस्त तर्कों का हल जो है इसके अंतर्गत हम लोग निकाल सकते हैं। जितने भी प्रकार के बच्चा तर्क करेगा, मतलब जितने भी प्रकार के, क्योंकि आप सभी लोग पता होगा कि बच्चे जो हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें क्या है बहुत सारी जिज्ञासाएँ उठती रहती थी। यदि आप गणित शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तो बहुत सारी जिज्ञासाएँ बच्चों के अंतर्गत बच्चों के मन में उठती हैं, तो उन सभी जिज्ञासाओं को, उन सभी तर्कों को गणित शिक्षण के अंतर्गत सॉल्व किया जा सकता है। जबकि हिंदी शिक्षण या अन्य विषय के शिक्षण में कुछ तर्क जो होते हैं वह जो है हम लोग उन तर्कों का जवाब हम लोग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो सिर पैर वाले होते हैं। लेकिन गणित में ऐसा कुछ नहीं है, इनमें विभिन्न प्रकार के जितने भी तर्क होते हैं उन सभी तार्किक विचारों का जो है हम लोग जवाब दे सकते हैं और उनका जो है हल निकाला जा सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, यह तार्किक विचारों का विज्ञान होता है। आगे बात करेंगे, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वही बात है कि मैंने क्या कहा कि मतलब कि इसमें जितने भी तर्क होते हैं उनका क्या होता है, एक उचित हल मिलता है, एक उचित जवाब मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ भी कहा जा रहा है कि गणित वह विज्ञान जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, मतलब जिस प्रकार जो परिणाम हमको चाहिए वह परिणाम निकाले जा सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसके जो उपयुक्त हल हैं वह निकाले जा सकते हैं। उसमें हम लोग क्या है किसी प्रकार के मतलब अनुक्त मान को नहीं ले सकते। जैसे क्या है, कह सकते हैं कि नहीं इसका हल नहीं होगा या असंभव है या नहीं होता, इस प्रकार की जो मतलब मिथ्याएं हैं वह इसमें हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि क्या है यह बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट परिणाम हमको देने में सक्षम होता है यह विषय। यह विषय ऐसा विषय है कि जिसमें हम क्या करते हैं एक स्पष्ट परिणाम पर पहुँच सकते हैं, किसी प्रकार की बाधा या रुकावट जैसे इसमें कुछ नहीं होता है। इसलिए कह रहा है ना कि यह विज्ञान ऐसा है कि जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, मतलब उपयुक्त हल तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमें काफ़ी हद तक मदद करेंगे प्रश्नों को हल करने में, प्रश्नों को समझने में और शिक्षण की भाषा को समझने में। एक बार इसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। चलिए एक बार एक एक करके इन सभी का रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले की तरफ। चलिए पहला हम लोगों ने पढ़ा है कि गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है, आप सभी लोगों ने जाना कि गणना क्या होती है, किस प्रकार से गणना, हम इसको गणित गणनाओं का विज्ञान कहते हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। दूसरा, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। बिल्कुल सही बात है, क्यों है आप सभी लोगों ने अभी इसके बारे में डिटेल में जाना है। तीसरा, गणित मापतौल और मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। ठीक है, कैसे है, क्यों है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आगे, इसमें मात्रात्मक तथ्यों तथा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या है मात्रात्मक, इनके बारे में भी आप लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने आपस में जो है इसके बारे में समझा है, जाना है। आगे, यह आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। क्या है, अभी आपने देखा कि मैंने बताया ना एग्जाम्पल के माध्यम से जो बच्चों को हम बताते हैं वही इसकी आगमनात्मक और प्रायोगिक विषय वस्तु है, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। आगे, यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। क्यों है, कैसे है, अभी मैंने इसको बताया है कि तर्क बच्चों के जितने प्रकार के तर्क होते हैं उन सभी तर्कों का जवाब हम इसके अंतर्गत दे सकते हैं और तर्क के माध्यम से इस विषय वस्तु को पढ़ाया जा सकता है, इसलिए तार्किक विचारों का विज्ञान है। आगे, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, मतलब एक उपयुक्त परिणाम तक पहुँचा जा सकता है, यह भी इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, गणित की प्रकृति के बारे में हम लोग जो है अब अध्ययन करेंगे। क्या होती है गणित की प्रकृति और कैसी होती है इसकी प्रकृति, एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, प्रत्येक विषय की एक अपनी प्रकृति होती है, आप सभी को पता है। विज्ञान की अपनी एक विशेष प्रकृति होती है, सामाजिक विषय की एक अपने अलग प्रकृति होती है, हिंदी शिक्षण की एक अपनी अलग प्रकृति होती है, मतलब जितने भी विषय हैं सबकी एक अपनी अपनी प्रकृति होती है, अपना अपना नेचर होता है, जिनके माध्यम से हम लोग क्या है उनके बारे में शिक्षण कार्य करते हैं, जिससे पाठ्यक्रम में उस विषय का स्थान निश्चित होता है। मतलब जैसे उनकी प्रकृति की वजह से पाठ्यक्रम में उनका स्थान निश्चित होता है कि मतलब इस विषय की उपयोगिता किस हद तक बनती है, किस हद तक बच्चों के लिए लाभकारी होती है, यह भी चीज़ जो है वह डिपेंड करता है। क्योंकि जब पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तो उसमें सब्जेक्ट की प्रकृति को एक विशेष स्थान दिया जाता है कि इसकी प्रकृति किस प्रकार से होती है और यह पाठ्यक्रम किस वर्ग के बच्चों के लिए तैयार किया जाता है, तो इसलिए उस विषय का उसकी प्रकृति में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। चलिए एक एक करके इनकी प्रकृति के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि क्या क्या गणित के महत्वपूर्ण नेचर हैं, महत्वपूर्ण प्रकृति है। चलिए पहले प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो पहला फ्रेंड, गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक अस्थायी व स्पष्ट होती है।
ये चीज़ें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है। आप सभी को पता है कि अन्य जितने भी विषय होते हैं उसमें कुछ चीज़ें तो हम लोग क्या है, कल्पना के आधार पर या कुछ अपने मतलब अपने जो है विवेक के आधार पर जो है कुछ चीज़ें हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन गणित में ऐसी कोई भी बात नहीं है। यह क्या होता है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक अस्थायी और स्पष्टता है। इसमें हम बच्चों को किसी प्रकार से बहकाते नहीं, उनको क्या है बिल्कुल सीधी सीधी और सरल बातें बताते हैं कि जिसको हम नियम व परिणाम के माध्यम से उनके सामने प्रूव और सिद्ध कर सकते हैं। गणित कई विषयों का आधार भी है जी हाँ फ्रेंड, गणित कई विषयों का आधार भी होता है। गणित शिक्षण के द्वारा मतलब गणित की अध्ययन के पश्चात बच्चों में क्या है कई विषयों की जानकारी उनको एक साथ मिलती है, अर्थात इसका जो अध्ययन होता है वह बच्चों को क्या है कई विषयों को समझने के लिए तैयार करता है, उनके मस्तिष्क को इतना विकसित करता है कि अन्य विषय संबंधित शिक्षण करने में ही वह अपने आप को योग्य समझने लगते हैं। आधार वह कई मतलब जितनी मतलब इससे रिलेटेड जितने भी एक दो सब्जेक्ट होते हैं विषय होते हैं उनके लिए भी बच्चों को बेस तैयार करके देता है, जिसको समझने में बच्चों को आसानी होती है। आगे गणित की प्रकृति चिन्हों पर आधारित होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम लोगों ने इसके पहले अवधारणा में भी समझ लिया है कि चिन्हों की क्या विशेषता होती है, तो फिर यहाँ हमको मिल गया है कि गणित की जो प्रकृति होती है चिन्हों पर आधारित होती है, क्योंकि इसमें सारा खेल चिन्हों का होता है। संख्याओं के साथ हमें कोई भी संक्रिया करनी होती है तो उसके लिए हम सबसे पहले चिन्ह की तरफ जाते हैं, हम ये देखते हैं कि इस संक्रिया में चिन्ह कौन कौन सा दिया है, जोड़ का चिन्ह है कि घटाने का चिन्ह है कि गुणे का चिन्ह है कि भाग का चिन्ह है या भिन्न का चिन्ह है, मतलब क्या चिन्ह पूछा है क्या पूछा जा रहा है, तो इसका सबसे पहले हमको जानकारी चिन्हों के माध्यम से मिलती है। इसलिए कह सकते हैं कि गणित की जो प्रकृति है वह चिन्हों से आधारित होती है। नेक्स्ट, गणित की प्रकृति के बारे में निम्न तथ्य कहे जा सकते हैं, कुछ और भी निम्न बातें हैं जिसको हम नीचे देखेंगे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके इनके बारे में जो डिस्कस किया जाएगा। देखिए चलिए, गणित एक तार्किक विषय है। तार्किक विषय कैसे है, क्योंकि इसमें तर्क वितर्क होता है, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और शिक्षक उसका जवाब दे सकता है, और किसी भी प्रकार से बहकाने वाला कार्य इस क्लास में नहीं किया जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि गणित एक तार्किक विषय है, क्योंकि तर्क वितर्क की प्रणाली इस विषय के लिए लागू है। आगे, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ठीक है, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, मतलब फ्रेंड हाथों के द्वारा मस्तिष्क के द्वारा मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियों के सहारे हम लोग क्या करते हैं गणित को सीख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों को हाथ की अंगुलियों के माध्यम से जोड़ सिखाते हैं और मस्तिष्क में मनन करवाते हैं। जैसे पहाड़ी का अगर हमको ज्ञान कराना होता है, अंकों का ज्ञान करवाना होता है, तो उनके मस्तिष्क पर हम ऐसे ऐसे चित्र दिखाते हैं या ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि जिससे क्या है उनकी मस्तिष्क क्या है गणित की तरफ आकर्षित होती है और वो गणित को सीखने में रुचि लेने लगते हैं। इस प्रकार फ्रेंड जो हमारी ज्ञानेंद्रिय, जैसे आप सभी लोग पता है कि आँख कान नाक मुँह त्वचा, तो ये सब सारी जो है कुछ हमारी ज्ञानेंद्रिया हैं, इनका भी प्रयोग क्या होता है गणित शिक्षण में होता है। तो जैसे मैंने देख बताया आपको, कुछ और ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया है कि जिनके माध्यम से बच्चे गणित सीखते हैं, इसलिए इसको भी आधार बनाया गया। आगे, गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा मापन तथा मापताल द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब बच्चों को दैनिक जीवन से जुड़े हुए मापतौल मापन तथा संख्याएँ व स्थान व दिशा के बारे में जानकारी गणित के द्वारा प्रदान कराया जाता है। उनको समझाया जाता है कि मापतौल क्या होता है, कैसे हम चीज़ों को मापते हैं, मापन की ज़रूरत क्यों हुई, ये सारी विषय वस्तु क्या है गणित के अंतर्गत जो है हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। इसलिए इसकी प्रकृति के अंतर्गत मापतौल का भी अध्ययन किया जाता है, मापन का भी अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ संख्या व स्थान का भी अध्ययन किया जाता है, जिससे बच्चों को चीज़ें समझाने में अत्यंत सहज और सरल हो। आगे, गणित के अध्ययन में बालकों को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। जी फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है हमारे लिए, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चों को हम लोग गणित शिक्षण का गणित शिक्षण के अंतर्गत जब बच्चों को हम लोग कुछ सिखा लेते हैं, सिखाने के उद्देश्य से कक्षा में प्रवेश करते हैं और उस उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं, तो बच्चों में क्या होता है एक आत्मविश्वास आता है जिससे बच्चे क्या है आत्मनिर्भर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेकेंड क्लास के
शिक्षक सेकंड क्लास का शिक्षक जो है कक्षा में इस उद्देश्य से प्रवेश करता है कि आज मैं बच्चों को संख्याओं के बारे में, संख्याओं की जोड़ संक्रिया के बारे में परिचित करा के ही क्लास से बाहर निकलूँगा। उसको उद्देश्य जोड़ के संक्रिया के बारे में बताना। उसने क्लास प्रारंभ किया और शिक्षण का अपने कार्य प्रारंभ कर दिया और विभिन्न प्रकार के जो भी उसने जो अपने मतलब अपना जो विषय वस्तु को जो तैयार किया है कि जैसे किस प्रकार से उसको बच्चों के सामने रखना है, क्या उसने प्रस्तावनाओं के प्रश्न बनाए हैं, किस प्रकार से उसने जो है अपना पूरा मतलब पाठ कौशल मतलब पाठ योजना किस प्रकार से उसने तैयार की है, मतलब क्या क्या उद्देश्य उसने बनाए, जब उस तमाम अपने उद्देश्यों को प्राप्ति करना था अर्थात वह बच्चों को जोड़ सिखाने में सफल हो जाता है, तो वह देखता है कि बच्चों में क्या होता है, एक आत्मविश्वास और एक आत्मनिर्भरता डेवलप होती है कि बच्चे क्या करते हैं उस चीज़ को सीख कर अपने आप उसमें क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब अगर अब मुझे ऐसी संक्रिया दी जाएगी तो मैं इसको कर सकता हूँ, ऐसा आत्मविश्वास उनमें उत्पन्न होता है। साथ ही साथ निकट भविष्य में क्या होता है, वे क्या करते हैं, वे खुद पर निर्भर होना सीखते हैं कि मतलब सर बताते हैं तो हमको इसी प्रकार से चीज़ों को करने ले जाना है, अगर सेकंड टाइम कभी भी मुझको जो है जोड़ की संक्रिया मिलेगी तो मैं शिक्षक द्वारा बताए गए विधि को फॉलो करके उसको कर सकता हूँ। तो वो आत्मनिर्भर भी बनते चलते हैं साथ साथ, मतलब आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उनके में साथ साथ चलने लगती है और वह परिपक्व होने लगते हैं। आगे बात करेंगे, इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है। जी हाँ फ्रेंड, इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है कि अगर सेकंड क्लास का एक क्लास फर्स्ट का बच्चा है तो उसको कितनी गणित का ज्ञान होना चाहिए यह बिल्कुल निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें उसको पढ़ा दी जाएँ, उसके लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, उसी के आधार पर उसको गणितीय ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है, जिससे फ्रेंड उस पर ये विश्वास किया जा सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, किसी भी क्लास में जाते हैं, जैसे मान लें कक्षा 3 में गया, कक्षा 4 में गए, तो उनके उनके गणित संबंधी ज्ञान से हम लोग परिचित रहते हैं कि इतना ज्ञान इनको इस कक्षा में होना चाहिए, इसका यह पैमाना बिल्कुल तय होता है। इसलिए फ्रेंड उनके ज्ञान का आधार, क्योंकि उनके ज्ञान का आधार बिल्कुल निश्चित होता है, इतना ज्ञान इनको होना चाहिए, इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं। आगे चलिए थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। जी हाँ, आगे बात करेंगे, गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। मतलब फ्रेंड क्या होता है कि इनमें क्या करता है, गणित के ज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, जब बालक को गणित का ज्ञान होता है तो बालक में क्या होता है, एक दूसरे की प्रति सम्मान की जो भावना होती है वह भी उनके अंदर जन्म लेती है। कि मतलब क्या होता है फ्रेंड, जब जब शिक्षक गणित शिक्षण का कार्य करता है और बच्चे आपस में मिलजुल कर जो है प्रश्नों को हल करते हैं और प्रश्नों की तरफ जो है प्रश्नों के जो है हल वो लोग कर लेते हैं, समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, तो आपसी दृष्टिकोण जो है उनमें बनता है, आपसी सद्भाव और प्रेम का भी जो भाव बनता है और एक दूसरे की प्रशंसा भी वह करते हैं कि वह मुझसे अच्छा सीख रहा है, मैं उससे जो है वह मुझसे अच्छा सीख रहा है, तो इसकी प्रशंसा का भी भाव उनमें जो उत्पन्न होता है। साथ ही साथ आपसी सौहार्द की भावना भी कक्षा में बनी रहती है, एक दूसरे की मदद से भी बच्चे सीखने में रुचि लेते हैं, क्योंकि इसमें सरकार शिक्षक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि बच्चे एक दूसरे की सहायता से भी लेकर चीज़ों को सीखते हैं। तो इस प्रकार का भी दृष्टिकोण इस क्लास में उत्पन्न या पैदा किया जा सकता है। आगे, इससे बच्चों में स्वप्न तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया जाता है। इसमें इसके द्वारा जो है बच्चों में स्वप्न तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी विकसित किया जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड क्या होता है कि बच्चों को सपने मतलब क्या है, गणित के संदर्भ में क्या करता है, सोचने के लिए जो शिक्षक क्या है विवश कर सकता है, मतलब उनको ऐसी ऐसी जो है चीज़ें उसके अंदर बता देता है, मतलब ऐसे ऐसे वो उदाहरण बताने प्रस्तुत करता है कि बच्चे क्या करते हैं, मस्तिष्क में मनन करके स्वप्न के माध्यम से उस गणित को जो है चिंतन करते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति शिक्षक पैदा कर देता है, जैसे ऐसे ऐसे वो जीवंत उदाहरण लेके आता है उनके सामने कि बच्चों के जो दिमाग में चीज़ें चलने लगती हैं तो स्वप्न का भाव भी उनके मस्तिष्क में आ जाता है। साथ ही साथ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि विज्ञान यह कहता है कि कोई भी चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ हम केवल मान के नहीं कर सकते बल्कि उसको सिद्ध करके ही हम उसके हल तक पहुँचेंगे, कोई भी चीज़ वह प्रयोग के माध्यम से उसको सही मानता है, ना कि किसी के बताए या कोई थियरी के अनुसार उसको सही मानता है, वह प्रयोग पर आधारित होता है। अगर विज्ञान जो विषय होता है प्रयोग पर आधारित होता है, जिसको हुबहू फॉलो करता है, जिसकी हुबहू नकल करता है गणित विषय, यह भी प्रयोग पर आधारित विज्ञान होता है, प्रयोग पर आधारित विषय होता है जिसको बाकायदा हल किया जाता है, जिसको बाकायदा समझाया जा सकता है, जिसको बाकायदा उत्पन्न कहाँ से हुआ इसको भी बताया जा सकता है, मतलब सारी चीज़ें इसमें जो सारी समस्याएँ हैं उसको जड़ तक जो है पहुँच कर हल किया जाता है, इसलिए क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। आगे, इसमें विभिन्न नियमों सिद्धांतों और सूत्रों आदि के संदेह की संभावना नहीं रहती है। मतलब कहता है फ्रेंड, इसके लिए क्या होते हैं,
विभिन्न नियमों का आपसी अपवाद नहीं होता है, इसके नियम जो होते हैं वह बिल्कुल क्लियर होते हैं। जैसे जोड़ का जो नियम है वह हर जगह एक समान रहेगा, ऐसा नहीं है कि किसी परिस्थिति में जोड़ का नियम बदल जाएगा, किसी परिस्थिति में घटाने का नियम बदल जाएगा। जो नियम और जो सूत्र होते हैं वह उनमें संदेह की जरा सा भी संभावना, मतलब 0% भी संभावना नहीं रहती है। वह चीज़ें जो चीज़ जो नियम बन गया है एक बार गणित के लिए, मतलब जो गणित का नियम बन चुका है वह नियम सर्वमान्य सर्व सत्य है। आगे फ्रेंड बात करेंगे अगले उस बारे में। तो चलिए, गणित की भाषा सुपरिभाषित तथा उपयुक्त और स्पष्ट होती है। मतलब फ्रेंड इसकी जो भाषा होती है उसमें किसी भी प्रकार के जो है किसी प्रकार के वैचारिक तथ्यों को नहीं रखा जाता है। वैचारिक मतलब क्या है कि जो मन से आते हैं, जो कल्पनाएं होती हैं उसमें इनको स्थान नहीं दिया जाता है। यह फैक्ट पर आधारित होता है। इसमें जो बातें की जाती हैं वह फैक्ट को आधार मानकर की जाती हैं। किसी प्रकार के बच्चों को जो है मतलब कह सकते हैं ना, जैसे बहकाव मतलब बहकाने की जो प्रक्रिया होती है इसमें नहीं की जा सकती। यह सुपरिभाषित तथा उपयुक्त और स्पष्ट होती है। मतलब जो बातें होती हैं शिक्षक और छात्र के बीच में बिल्कुल क्लियर होती हैं। जैसे यदि भिन्न की अवधारणा के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है तो भिन्न की अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट बताई जाती है, उसमें किसी प्रकार का संदेह बच्चों के अंदर नहीं रखा जाता है। आगे, गणित के अध्ययन में आगमन, निगमन और सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। मतलब फ्रेंड पहले उदाहरण दिया जाता है, साथ ही साथ फिर नियम के बारे में जानकारी दी जाती है, उसके बाद चीज़ों को बच्चों के लिए बिल्कुल सरल बनाया जाता है जिससे बच्चे आसानी से उसको ग्रहण कर पाएँ और उसका इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उसको यूज कर पाएँ, उसका उपयोग कर पाएँ। इस योग्यता का जो है बच्चों में विकास किया जाता है गणित के विषय के द्वारा। आगे, चलिए थोड़ा सा और इसके देख लेते हैं। जी हाँ, आगे बात करें फ्रेंड गणित क्या करता है। चलिए, जी हाँ, गणित में जो है संपूर्ण वातावरण, इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब फ्रेंड कि जो भी वातावरण में चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनकी सहारा लेकर उनके बारे में जितने मतलब जिससे वह गणितीय रूप से किस प्रकार से संबंधित है, इन संबंधों को भी अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। साथ ही साथ गणित अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित, गणित में क्या है अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही साथ उनकी व्याख्या भी किया जाती है। मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो मतलब अमूर्त वस्तुएं होती हैं, मतलब जिनको जो है केवल कल्पना जिनकी की जा सकती है, तो गणित क्या करता है उनको मूर्त अवस्था में प्रदर्शित करता है, साथ ही साथ उसकी एक स्पष्ट व्याख्या भी प्रदर्शित कर सकता है। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक होता है, यह मैंने पहले ही आपसे बता दिया, बल्कि साथ ही साथ क्या करता है उनकी प्रगति और संगठन की भी आधारशिला रखता है। गणित का ज्ञान यथार्थ क्रमबद्ध तथा तार्किक या रूप से अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि फ्रेंड मैंने इसके बारे में पहले बताया कि गणित क्या होता है बिल्कुल किसी प्रकार की यह संदेह की स्थिति को नहीं रखता है। ये चीज़ें बिल्कुल यथार्थ मतलब एक क्रमबद्ध मतलब क्या है नियम, मतलब एक पहली स्थिति दूसरी स्थिति दूसरी स्थिति तीसरी स्थिति इस प्रकार से जो है वह क्रमबद्ध तरीके से चलता है और यह बिल्कुल स्पष्ट होता है फ्रेंड। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो है गणित की प्रकृति जिसके बारे में हम लोग जाना, लगभग 13 से 14 प्रकृति के बारे में हम लोग जाना है। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं गणित शिक्षण को समझने के लिए, गणित शिक्षण का एक आधार हमारे सामने उत्पन्न करने के लिए, कैसे गणित शिक्षण को पढ़ा जाए, कैसे इसके विषय में विस्तृत नॉलेज को ग्रहण किया जाए, ये चीज़ें काफ़ी मदद होंगी। तो इस क्लास में इतना ही, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बारे में गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चलिए, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।